लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। जनपद ललितपुर में जिला उद्योग कार्यालय में महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर खादी की खरीद पर जागरूकता अभियान। जिला उद्योग कार्यालय में अद्भुत आकृतियां बनाई गयी। महिलाओं पुरुषों द्वारा उद्योग कार्यालय के अधिकारी द्वारा लोगों को जानकारी दी और उन्हें समझाया गया। प्रमोद बबेले की रिपोर्ट, ललितपुर। प्रदर्शनी लगी जी, आप लोगों ने स्वयं हाथों से बनाया? हाथ से बनी खादी। हाथ से बनाया। क्या नाम है आपका? रामचंद्र विश्वकर्मा। ये जो रखे हैं जी, आप लोगों ने अपने हाथ से? हाँ, हाथ से। बड़ी पापड़ अचार दी गई थी? नहीं, बनाते हैं हम लोग। लोगों ने स्वयं कोई ट्रेनिंग तो दी गई होगी ना? नहीं, बनाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। मार्केट में सेल करते हैं दुकान पे। हाँ, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मैं सुखदेव तिवारी। जो ये अभी खादी के कपड़े हैं जी, आप लोग स्वयं बनाते हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ स्टोर में बनते हैं, वहाँ बेलाताल में, जैतपुर बेलाताल है महोबा जिले में, वहाँ बनते हैं। कारीगर रहते हैं, कत्यान बुनकर वगैरह सब रहते हैं। क्या आपका मार्गदर्शन रहता है उन्हें बनाने के? वो स्वयं बनाते हैं? नहीं, वो अधिकारी वगैरह वहाँ से माल उपलब्ध कराते हैं सरकारी संस्थानों से, वो कत्यान बुनकर वहाँ बुन करके बनाते हैं, फिर सेलिंग होती है। प्रोग्राम चल रहा है खादी विवाह, आज महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर की जयंती में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? एक्चुअली सेवा पखवाड़ा के चलते जो हमें कार्यक्रम जनपद में संचालित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसी क्रम में आज हमारा अंतिम गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उस पर जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक शबर श्री राम रतन कुशवाहा जी और जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति आज हुई है। और इस कार्यक्रम के तहत हम जो है लोकल फॉर वोकल वाला जो हमारा विजन है, गांधी जी का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, उसको साकार करने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं, जिसमें ओडी एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत जो है प्रदर्शनियों का आयोजन भी है। लोकल जो उत्पाद हैं हमारे, वो स्टॉल भी लगे हुए हैं। मेन उद्देश्य है कि इस उत्पाद को हम प्रचार के में प्रदर्शनी के माध्यम से प्लस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावें, लोग इससे आकर्षित हों और इस उत्पाद को बढ़ावा मिले, लोग जागृत होंगे इससे। जी जी जी, आपके आप ही के सानिध्य में हो रहा है जो आप अभी तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ, जो पहली बार देखा ये कार्यक्रम। एक्चुअली इस कार्यक्रम का जो आदेश था शासन से, हम उस विज़न पे काम कर रहे हैं और लोकल के जो उत्पाद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनपद के लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिले, इसके लिए हम पूरा निरंतर प्रयासरत भी रहेंगे।